मंडी के उपमंडल गोहर में मटर की तैयार फसल के निर्यात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चौल चौक सब्जी मंडी में गोहर, सियाज, छपराहन, नाड़ी के किसान मटर लेकर आ रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्यों में आड़ती मटर का निर्यात कैसे किया जाए, इसको लेकर अभी भी सवाल फंसा हुआ है। कुछ चालक मटर लेकर पड़ोसी राज्यों में जाने से मना कर रहे हैं और कुछ जाने को तैयार भी हैं। जीप चालकों का मानना है कि अगर गाड़ी पंजाब को लेकर जाते हैं तो रास्ते में कहीं गाड़ी का टायर पंचर या खराब हो जाए तो सभी दुकानें बंद होने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। गाड़ी के चालकों व मालिकों ने प्रशासन को जोर देकर बताया कि गाड़ियां पंजाब तभी जा सकती हैं अगर मैकेनिक और टायर वालों की दुकानें प्रशासन खोलने का निर्णय ले। सब्जी मंडी चौल चौक के प्रधान महेंद्र शर्मा ने आग्रह करते हुए कहा कि एसडीएम गोहर अनिल भारद्वाज, थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने चौल चौक सब्जी मंडी में आढ़तियों और ट्रक टेम्पो यूनियन के सदस्यों से मुलाकात की है और उन्हें कोरोना महामारी को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी को बंद नहीं किया जा सकता, मगर आढ़ती और चालक इस बात का खास ख्याल रखें कि कोरोना वायरस को बाहर से कोई साथ लेकर ना आए, और जो भी चालक गाड़ी लेकर पंजाब जाता है तो उसे कोरोना को लेकर पूरी एहतियात बरतने की हिदायतें भी एसडीएम के द्वारा दी गई। आपकी गाड़ियां पंजाब जाती है मोटर लेके, तो आपको क्या क्या परेशानी है वहां पे आ सकती है, आ रही है, थोड़ा हमें बताएं। मेरे को तो बहुत परेशानी आ रही है सर, जैसे मेरे को रास्ते में वो गाड़ी खराब होगी, टायर वाला नहीं मिलेगा, कोई और मैकेनिकल फॉल्ट है तो मैकेनिकल नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा खाने को, कुछ भी नहीं, और कोई ऐसी वैसी बात होगी रास्ते में तो क्या करेगा ड्राइवर, क्या करेगा मालिक, जाने के बाद नीचे के नीचे वापस आने के बाद आइसोलेशन में रखना, सारी परेशानियां हमारे को। तो आपको लगता है कि जाना चाहिए पंजाब गाड़ी लेके? नहीं, बंद कर दो, मिलनी तो सब कुछ है, मिलनी परमिशन, बाकी किसी को, मतलब गाड़ियां वाले भी नाराज है कि मतलब हम नहीं जाएंगे, है ना? आजकल मटर चलाओ आप किधर, लगभग कितनी गाड़ी जा रही है आजकल? मटर 40-50 गाड़ियां हिसाब से मटर चला हुआ, कम से कम 40-50 गाड़ियां तो दिल्ली की जा रही है। और कल संडे, और संडे कल तो कम से कम 70 गाड़ियां आसपास उड़ान होगा, तो इससे तो फिर आपको भी तो खतरा है ना जान का, कोरोना को लेकर। और सारे जा रही है, और जम्मू जा रही है, हरियाणा जा रही है, पंजाब जा रही है, दिल्ली जा रही है, और सारे जा रही है गाड़ी। जब सरकार ने 15 दिन मना किया तो बंद कर दो मटर को, बंद आप भी जाते कि बंद रहे ना? हाँ बंद रहे, अच्छी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए खुद गाड़ी पंजाब गई है, खुद गाड़ी इधर गई, तो देरी तो जाने तो सारी जाओ फिर पंजाब। और आप चाहते हैं कि प्रमुखता से प्रशासन जो इसको बंद करे? दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ रहा है, ठीक है, तारीख जब मटर लेना तो सपने लेना, फिर सपने जाना, सब सारी गाड़ियां लोन के ऊपर, सबकी गाड़ियां लोन और ईएमआई देने में प्रॉब्लम आ गया, बोल दिया लोन से देंगे पैसे, किस्त कोई नहीं कटे जाएगी, ठीक है जी, और गाड़ी वाले क्यों जा रहे थे नीचे? ठीक है ठीक है ठीक है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से मटर के रेट में भारी गिरावट आई है, 15 से 20 रुपए प्रति किलो के भाव से थोक में मटर इस समय बिक रहा है। इस समय क्षेत्र में करोड़ों रुपए के मटर की फसलों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन ने सब्जी को लेकर पड़ोसी राज्यों में जाने वाले करीब 2 दर्जन गाड़ियों को पास जरूर जारी किए हैं, मगर क्षेत्र के कुछ आढ़तियों और चालकों ने मंडी से पास को लेकर संख्या बढ़ाने की बात कही है।